अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ सुपरिटेंडेंट को लिखा है लेटर। चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, यही बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ है। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। केजरीवाल ने कहा, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। एम्स के डॉक्टर्स ने कभी भी नहीं कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो डेटा और हिस्ट्री देखकर ही आगे बताएंगे। आम आदमी पार्टी सूत्रों से ये बड़ी खबर है और देखिए किस तरीके से बड़ी बातें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में बोल रहा है झूठ। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखा है। इस लेटर में और क्या क्या है, जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी में ज्वाइन कर चुके हैं, बताएं जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां जो है राजधानी कोर्ट इस मामले फैसला सुनाने वाली है, उससे पहले ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चले। यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने बयान पढ़े हैं अखबारों के अंदर, जो बयान है वो सत्य से बहुत बड़े हैं, झूठे हैं। साथ उन्होंने कहा कि वो हर रोज जो है कह रहे हैं कि इंसुलिन की उन्हें जरूरत है, इसके लिए जो ग्लूकोमीटर को लगाया गया है उसकी रीडिंग जो है दिखाया, जिसमें उनका जो शुगर लेवल है वो 250 से 320 के बीच है। और उन्होंने ये भी कहा, इसके अलावा इस बात को लेकर झूठ बोला गया है कि एम्स के डॉक्टरों ने, उन्हें ये नहीं कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि डाटा देख के आगे बताएंगे। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो राजनीतिक दबाव है उसी दबाव के चलते अरविंद केजरीवाल के मामले में जो चेयर है वो तरीके से झूठे जो बयान है वो मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। शुक्रिया, आगे भी नजर बनाए रखें और जिस तरीके से कोर्ट आगे रुख अपनाता है इस पूरे मामले पर, इस बारे में भी लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया जीतेंद्र।